क्या आपको भी आते हैं बार बार के ख्याल, या आपको भी लगता है बार बार हाथ धोना? आइए इसके बारे में बात करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, ये जानलेवा तो बीमारी नहीं है, मगर कभी कभी जान भी आदमी ले सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर 1,000 व्यक्तियों में 3 से 6 लोगों को हो सकती है। वैसा देखा जाए तो बहुत कॉमन है। देखो, बहुत सारे लोग ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी के रहते हैं, और ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी मतलब टॉप टिप रहना, ज़्यादा स्वच्छता करना, ज़्यादा बार हाथ धोना, मतलब 2-3 बार हाथ धोना, उनकी वस्तुएं जो है वो बराबर जगह पे मिलेंगी आपको, उनका मकान एकदम स्वच्छ रहेगा, क्लीन रहेगा, टाइम पर आएंगे। ये ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी के लक्षण, ये पर्सनैलिटी है और अच्छा है एक तरह से, क्योंकि ये लोग ही आगे बढ़ते हैं। मगर इसका कन्वर्शन यदि बीमारी में होता है तो प्रॉब्लम है। और बीमारी में कैसा होता है, एक तो इनको आते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स, या होता है कंपल्शन, मतलब बार बार वो करना ही पड़ता है व्यवहार। तो क्या होता है ये, एक तो इनके दिमाग में बिना कारण बेमतलब के अनियंत्रित विचार और डर बार बार आते हैं, और इच्छा होने के बावजूद भी वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ तो भी एक्शन करने को लगाते हैं, और एक्शन कर लिया तो उनको टेम्पररी अच्छा लगता है। तो ये एक साइकिल है OCD की। इसके 4 स्टेजेस है। एक है पहले बार 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 विचार आना, फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना, घबराहट होना, फिर कुछ तो भी एक्शन करना, और एक्शन करने के बाद में ठीक लगना टेम्पररी, फिर विचार आता, फिर घबराहट, फिर कुछ तो भी कृति करना, बिहेवियर करना, फिर ठीक लगता है, फिर वैसा लगता है, और ठीक लगता है वो, ठीक लगने के लिए आदमी फिर वो बार 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 करेगा। तो ये OCD साइकिल है जिसके 4 स्टेजेस है। विचार कौन से आते हैं? एक तो विचार उनको उनको आता है कि भाई बहुत गंदा है, मेरा हाथ गंदा है, या घर मकान गंदा है, गंदगी के विचार आते हैं, अपना शरीर गंदा है। फिर वो सेक्स करने के बाद में उनको गंदगी ज़्यादा लगती है, फिर वो सेक्स ही नहीं करते। तो एक तो गंदगी के विचार बार 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 आते हैं। नंबर दो, कुछ लोगों को अनियंत्रित, मतलब नियंत्रण अपना खो जाएगा, ऐसे विचार आते हैं, मतलब मैं किसी को चोट कर दूंगा, या चोट पहुंचेंगी मेरी वजह से, या कोई चोरी कर लेगा क्या, या मैं चोरी कर लूंगा क्या, या मैं कुछ हिंसा कर लूंगा क्या, हिंसक कृत्य कर लूंगा क्या, ऐसे उनको विचार आते हैं। मैं नियंत्रित, मेरा नियंत्रण खुद के ऊपर का मैं खो डालूंगा, ऐसे बार बार विचार आते हैं। कुछ लोगों को विचार आते हैं कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा, है ना, तो ये डर लगता है उनको कि मैं किसी को मार दूंगा, या मेरे वजह से किसका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ तो भी नुकसान किसका हो जाएगा विचार आते। नंबर 4, कुछ लोगों को बीमारी के विचार आते कि मैं बीमारी की चपेट में आ जाऊंगा, मेरे को HIV हो जाएगा, या अटैक आ जाएगा, या कुछ तो भी बीमारी ऐसी हो जाएंगे, ऐसा उनको बार बार डर लगता है और वो घूमते रहते इधर से उधर। नंबर 5, उनको कुछ लोगों को लकी अनलकी नंबर के विचार आते, ये लकी नंबर, ये अनलकी नंबर। नंबर 6, रंगों को लेकर कुछ लोगों को विचार आते, रंग, पीला रंग, हरा रंग, लाल रंग, ऐसे विचार आएंगे। तो ऐसे विचार उनको बार 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 आते रहते हैं। उनको भगवान के बारे में बुरे विचार आएंगे, उनको मदर के बारे में विचार आएंगे, अपने परिवार के बारे में बुरे विचार आएंगे, और इतने विचार आते हैं कि वो उनका दिमाग मतलब ऐसा फ्रीज हो जाता है, उनको लगता है कुछ नहीं करना चाहिए। फिर कुछ लोगों को कंपल्शन होता है, मतलब ये विचार कम करने के लिए वो कुछ तो भी कृति करते हैं, जैसे वो उनको लगता है गंदगी विचार है, फिर हाथ धो लेंगे बार 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 बार, 1 बार 2 बार 3 बार हाथ धो डालेंगे, फिर 3 बार होने के बाद में लगेगा नहीं यार मैं 3 बार करके 1 बार गिनूँ, ऐसे 3 बार करूँ तो फिर हाथ साफ हो जाएंगे। कुछ लोगों को नहाने को, स्नान करने को 2-3 घंटे लग जाते, एक एक ड्रम भर के पानी वो फेंकते जाते हैं। लेटरिन के बाद में साफ सफाई करना, उसके लिए उनको बहुत टाइम लगता है, लेटरिन में बैठे तो बहुत टाइम लगता है। कुछ लोगों को चेकिंग का बार बार करना पड़ता है, चेकिंग विचार आते हैं और उनको चेकिंग करना पड़ता है, एक तो किसका बुरा तो नहीं किया, जाके चेक करेंगे, कोई गलती तो नहीं, चेक करेंगे शरीर के बारे में, चेक करेंगे लॉक चेक हुआ कि नहीं, 2-2 3-3 बार 4-4 बार जाके चेक करेंगे। उनको लगता है, समझो स्त्री है तो उसको लगता है कि मैं नमक ही डाला नहीं सब्जी में, चाय में शक्कर डाली नहीं क्या, ऐसा उनको बार बार विचार आएंगे ना, वो चेक करेंगे कि मैंने किया, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। तो ये कंपल्शन है। कुछ लोगों को विचार आते हैं कि भाई भगवान के बारे में, कि मैं भगवान के साथ में सेक्स करूं, और उनको बहुत बेकार लगता है कि ऐसा कैसा मैं कर सकता हूँ, ऐसे कैसे विचार आते हैं, ऐसे उनको खुद को बेकार लगता है। कोई लोगों को माँ के साथ में सेक्स करने विचार आते हैं, कुछ लोगों को बहन के साथ में, और फिर कुछ लोगों को स्त्री के चेस्ट के तरफ देखने की विचार आते और देखते रहते हैं, फिर वो जाते नहीं बाहर घर के, उनको लगता है कि मैं बाहर जाऊँ और स्त्री के चेस्ट के तरफ देख लिया, ब्रेस्ट की तरफ, और किसने देख लिया तो मेरे को मार डालेंगे, तो वो जाते नहीं है, अवॉइड करते हैं लेडीज़ को, ऐसा उनका मतलब ये बहुत ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, मतलब जान तो जाती नहीं है मगर उनका जीना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक दो पेशेंट्स के बताऊंगा सिम्टम्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है,
एक लड़का मेरे पास में आया था, उम्र करीब करीब 24-25 साल की, उसको बार 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 सेक्स के विचार आ रहे और सेक्स करना ऐसे विचार आते, बार 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 सेक्स करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए। फिर वो निकलता है सेक्स करने के लिए घर के बाहर, अविवाहित है, शादी नहीं हुई, सेक्स नहीं जाता है, और फिर उससे वो बहुत परेशान हो जाता है, पैसे खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि जिस जो लड़की के पास में जाएंगे पैसे लेंगे 500, 1000, 2000 जो भी है, और वो इतने विचार आते हैं, फिर उत्तेजना आती है, इरेक्शन आता है, और फिर उसको लगता है कि भाई मुझे विचार आता है, मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मेरे को दिमाग है कि नहीं है, बुद्धि है कि नहीं है। फिर उसको विचार आने लगे कि मुझे मेन मतलब जो दिमाग है वही नहीं है, मेरी बुद्धि चलती नहीं है, ये सब गायब हो गया, ऐसे विचार आएंगे, यहाँ अभी कुछ है ही नहीं। फिर वो बोलता है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, और फिर उसको लगता है कि भाई मुझे सब तरह वही दिखता है, एंग्जाइटी हो रही है, और फिर उसने कोई गूगल पे सर्च किया, वीडियो सर्च किए, और उसको ऐसा लगा कि भाई मेरे को सब दिमाग की बीमारी है ही है, उसको ऐसा लगता है कि मैं बाहर जाऊँ तो मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, और ऐसे विचार आते, फिर उसको डर लगता है बाहर जाने का, घर बैठा है तो उसको उदास लगता है कि ये मेरा क्या जीवन है और मैं कैसा जी पा रहा हूँ, कहीं मन लगता नहीं कहीं भी, और फिर इरिटेबिलिटी, नकारात्मक विचार, फिर काम नहीं किया तो फिर उसका सर दर्द होता है, बॉडी दर्द होता है, और फिर अभी अभी उसको ऐसा हो रहा है कि वो भुलक्कड़ बना रहा है, भूल जा रहा है, बैठे बैठे उसको दम भर के आता है, बेचैनी, घबराहट ऐसा होता है, और बैठना कहीं आना नहीं, जाना नहीं, खाना पीना बैठना, तो वजन बहुत बढ़ गया, काम करने की इच्छा नहीं, काम करता ही नहीं, और काम किया तो सर दर्द होता, सांस फूल जाती, और ये सब उसको जीना हो रहा है कि भाई, और वो बोलता कि भाई मुझे अभी रुकाओ आप, कि मैंने बाहर जाके सेक्स नहीं करना चाहिए बस, क्योंकि सेक्स मैं करूँ तभी मेरे को रिलैक्स लगता है, और वो जो लड़की मिली जैसी मिली जैसा होंगे वैसा, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा जाके सेक्स करेंगे ही करेंगे, रोज़ तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार, कभी कभी अलग अलग लड़कियों के साथ में जाके करता है सेक्स। ये दूसरा लड़का है, उसको ये उसका इसकी उम्र 30-32 साल की है, उसको स्त्री का, महिलाओं का डर लगता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई स्त्री सामने आ गई तो मैं उसको ऐसा कुछ तो भी अश्लील बोल दूंगा, मैं अश्लील हाव हाव करूंगा, और ऐसा कुछ किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो मेरे को मारेंगे, वो औरत मारेंगे, मैं ऐसा कुछ बोल दिया तो। अच्छा, अभी तक उसने कभी किसको कुछ बोला नहीं है, कभी मार नहीं खाया, उसको डर लगता है। अब क्या है कि ये लोगों को इच्छा होने के बावजूद भी ये कंट्रोल नहीं कर पाते विचार, उनको मालूम है कि ये विचार फालतू के है, अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है, ऑटोमेटिक आ रहे हैं, समझ में नहीं आता है क्या करूं, उनको ये मालूम है कि ये ओसीडी है और ये खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, और तभी विचार तो आ रहे। कुछ कुछ लोग तो इतने परेशान हो जाते कि एक्चुअली वो बेड पर रहते हैं कि आते नहीं, जाते नहीं, कुछ नहीं, और कुछ लोग अपने आसपास भी दिखाई देते हैं जिनको ये है मगर वो बोलते नहीं हैं। मतलब कुछ लोगों को 0 और 10 ये स्केल के ऊपर किसको 1 या 2 है और किसको 9-10 है, 1 या 2 वाले मालूम नहीं पड़ते हमको मगर उनको तकलीफ तो रहती है। तो आइए मैं अभी बताऊंगा कि इनको करना क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो एक तो इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, तो दवाइयाँ लेते हैं तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें दवाइयाँ जो है वो SSRI ड्रग्स जो है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, बहुत अच्छे है। इसका जो डोज है वो समझो आप एसिटालोपराम लेते हैं तो 20 से 30 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम हो सकता है, आप फ्लॉक्सिटिन लेते हैं तो 20 से लेके 90 मिलीग्राम तक डोज चलता है, सरेट्रालिन लेते हैं तो 50 से लेके 200 मिलीग्राम तक डोज होता है, उसके साथ साथ क्लोमिप्रामिन वो भी अच्छी कारगर दवाई है, क्लोमिप्रामिन 25, 75, 100, 150, 200 ऐसे कितना भी दे सकते हैं। कुछ लोगों को रेस्पिरिडॉन ये ड्रग जो है इससे फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा जिनको एंग्जाइटी है, बहुत घबराहट, चिंता, बार बार विचार आ रहे, तो उनको एंग्जोलाइटिक ड्रग देना पड़ता है, एंग्जोलाइटिक्स। सबसे अच्छा जो है इसके साथ साथ जो इलाज करना है वो हिप्नोथेरेपी, हम हिप्नोटाइज करने सिखाते हैं, खुद को हिप्नोटाइज करो, सेल्फ हिप्नोसिस करो और कल्पना करो और देखो कि विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, और स्थित प्रज्ञ होकर क्या आप विचारों को देख सकते हैं, देखना है सर, ऑटोमेटिक है। तो मेरे ऐसे कई पेशेंट बोलते हैं यार आपने तो ये बता दिया हमको बहुत अच्छा लगा, अभी मैं बैठ के वो विचारों को देख सकता हूँ, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, अभी मैंने निग्लेक्ट करना चालू किया, इग्नोर करना चालू किया, और अभी मुझे तकलीफ होती नहीं, विचार आते पर तकलीफ होती नहीं, मैं ख्याल देता नहीं हूँ, एक तो वो है। दूसरा है कि जब विचार आते हैं तब उसके ऊपर जो कृति करने की इच्छा होती है वो कृति नहीं करना, मतलब कंपल्शन जो होता है, जो एक्शन करनी पड़ती है वो करने का नहीं, तो फिर क्या होगा, बहुत एंग्जाइटी, एंग्जाइटी बहुत डेवलप होती है, मगर कृति आप करेंगे नहीं, होने दो, कितनी एंग्जाइटी होती है, तो धीरे 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 एंग्जाइटी कम हो जाएगी, क्योंकि होता क्या है कि आपको विचार आया, एंग्जाइटी हो गई, फिर कृति किया अच्छा लगा, फिर बाद में विचार आया, एंग्जाइटी होगी, कृति किया अच्छा लगा, तो ये तो न्यूरल पाथवेज पक्के हो रहे, तो ये करने का नहीं।
कृति नहीं करने की, आरे विचार आन दो, तो ये करेंगे तो डेफिनेटली ओसीडी के ऊपर फायदा हो सकता है। आजकल ओसीडी के लिए सर्जरी भी निकली है, सर्जरी ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, कभी कभी पेशेंट वायलेंट हो जाता है और फिर उसके लिए हम शॉक ट्रीटमेंट भी देते हैं, क्योंकि उसको ओसीडी के साथ में बाकी साइकोसिस भी है और दवाई को कोई रेस्पॉन्ड करता नहीं, दवाई लेने को तैयार नहीं है। अभी एक नई ओसीडी चल हो गई, वो है मोबाइल की, कि मोबाइल की स्क्रीन देखना, बार बार देखना, वो निकाल लिया तो वायलेंट हो जाना, और उनको गमता ही नहीं, वो तो करना ही पड़ता है, ऐसा एक मोबाइल का एडिक्शन हो गया है और वो विचार बार 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 आते हैं, और वो अभी मोबाइल स्क्रीन की ओसीडी, व्हाट्सएप की ओसीडी, यूट्यूब की ओसीडी, इंस्टाग्राम की ओसीडी, ऐसी अभी ओसीडीज तैयार हो गई है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बहुत लोग इसको लेके परेशान हैं, तो अच्छे हो जाएंगे और अपना जीवन बहुत प्रोडक्टिव ऐसे जी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।